Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना है। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी विधायकों ने एक साथ खड़े होकर स्वीकार किया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी इस पद को संभाल चुकी हैं। सूत्रों की माने तो आतिशी को मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे कई कारण हैं। आतिशी को केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मंत्री माना जाता है। उनके पास सरकार में सबसे अहम और सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। साथ ही अन्ना आंदोलन के बाद जब पार्टी की नींव रखी गई थी, तभी से ही वे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है। आतिशी न केवल दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, और तो और आतिशी के पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 14 विभागों की भी जिम्मेदारी है। मौजूदा सरकार में आतिशी के पास शिक्षा, जल, वित्त, बिजली, कानून समेत कुल 14 अहम मंत्रालय हैं। आतिशी के राजनीतिक सफर की बात करें तो आंदोलन से उभरी आम आदमी पार्टी के साथ वे शुरुआत से ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने लंबे वक्त तक पार्टी के प्रवक्ता का पद संभाला। साल 2022 में पहली बार आतिशी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। खास बात यह है कि दिल्ली में पली बड़ी आतिशी मास्टर डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गई। भारत वापस आकर आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां उन्होंने जैविक खेती और शिक्षा को करीब से जाना। उन्होंने वहां एनजीओ के साथ भी काम किया और अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी।